हेलो फ्रेंड्स, एंग्जाइटी यानी कि चिंता, चिंता के यानी एंग्जाइटी की इस सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सोशल एंग्जाइटी। सोशल एंग्जाइटी क्या ये सिर्फ बड़ों में देखने को मिलती है या बच्चे भी इसका शिकार होते हैं, और अगर ऐसा है तो क्या इसके सॉल्यूशंस हैं और क्या टूल्स हम अप्लाई कर सकते हैं जिससे बच्चे इस प्रॉब्लम से ईजिली बाहर आ सकें। तो मैं अपने हस्बैंड भुवनचंद जोशी जी से इस बारे में विस्तार से बताने को बोलूंगी। सर, स्वागत है आपका, आप हमें गाइडेंस दें। वेल, थैंक यू। सोशल एंग्जाइटी की बात करें तो सोशल एंग्जाइटी का सीधा कनेक्शन है सोशल इंट्रैक्शन से। सोशल इंट्रैक्शन के दौरान सेल्फ कॉन्शियस हो जाना, डर लगना, एम्बरेस्ड फील करना, और बड़ा एक कैसे इंट्रैक्शन को हैंडल करें, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वही सोशल एंग्जाइटी के रूप में देखा जाता है। इसमें सोशल इंट्रैक्शन का जो ये क्वेश्चन कि किस एज ग्रुप में होता है सोशल इंट्रैक्शन की जो प्रॉब्लम आती है, जनरली ये आती है टीन एज ग्रुप में, जब बच्चे 10 साल के या 11 12 साल से 13 साल से वहां से लेके करीब करीब ये 18 19 20 साल की एज ग्रुप में ये बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है। बच्चे बड़े वरीड रहते हैं, बच्चों को चिंता रहती है कि उनको जज किया जा रहा है, उनको उनको इवेलुएट किया जा रहा है, और उनको बिल्कुल एक तरह की स्क्रूटनी टाइप की हो रही है, उनके उनके मूवमेंट्स को चेक किया जा रहा है, उनके फिजिकल अपेयरेंस को चेक किया जा रहा है। वो अपने अपने पूरी फिजिकल अपेयरेंस को लेके कॉन्शियस रहते हैं, और वो अपने वो लोग उनके उनके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं और कैसे उन कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं उसको अभी उनको उसके बारे में बड़े वो बड़े अलर्ट रहते हैं, बड़े सेंसिटिव रहते हैं। तो इस कारण वो ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस होने से वो ये एक एंग्जाइटी बच्चों के मन में बन जाती है। तो इसके क्या ऐसे सॉल्यूशंस हो सकते हैं कि जो इतना ज़्यादा ओवर कॉन्शियस है, यानी वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जा रहे हैं, अलर्ट हो जा रहे हैं, ओवर अलर्ट हो जा रहे हैं, इससे उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जा रहा है और अपने आप को एक जो एक नॉर्मल जो उनका बिहेवियर है वो लड़खड़ा जाता है, और स्ट्रेस में उनका जो पोटेंशियल है वो भी खत्म होता है, और मींस वो एक नॉर्मल सेल्फ में अपने नहीं रह पाते। तो इसके लिए क्या ऐसे सॉल्यूशंस हो सकते हैं या कैसे कैसे टूल्स हो सकते हैं जिससे वो बाहर आ सके? वेल, सॉल्यूशंस हैं कि बच्चों की स्किलिंग कैसे हो, सोशल स्किल्स जिसमें इंट्रैक्शन है, और प्लस उनकी कॉम्पिटेंसीज, दोनों चीज़ें, सोशल स्किलिंग जिससे कि वो बोल सकें, बातें कर सकें, समझा सकें, क्वेश्चन पूछ सकें, उनकी असर्टिवनेस स्किल डेवलप हो सके, और उनकी कॉम्पिटेंसीज कि मैं उनको ये महसूस हो सके कि मैं क्लास में पूछ सकता हूँ, मैं क्लास में कुछ आंसर दे सकता हूँ, मैं क्लास में कोई टॉपिक प्रेजेंट कर सकता हूँ, मैं असेंबली में बोल सकता हूँ, मैं स्पीच दे सकता हूँ, मैं प्रिंसिपल ऑफिस में जा सकता हूँ, मैं वाइस प्रिंसिपल ऑफिस में अपने टीचर के पास में जा सकता हूँ। तो इस तरह से जो उनके ऐसे सिचुएशन क्रिएट किए जाएँ, ऐसे कंडीशंस क्रिएट किए जाएँ, ऐसे प्रोग्राम्स डिजाइन किए जाएँ जिसमें कि बच्चों का सोशल स्किल्स और प्लस उनकी कॉम्पिटेंसीज इंप्रूव हो सकती है। यानी इसके लिए स्कूल उनको ऐसे मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज दे, ऐसे डांस के प्रोग्राम्स हो सकते हैं या म्यूजिक के प्रोग्राम हो सकते हैं, या स्पोर्ट्स लेवल पे कई ऐसे स्कूल अपने प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करवा सकता है जिससे बच्चे का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, और जितना जितना वो मैक्सिमम उसका पार्टिसिपेशन होगा उसका डर, उसका फियर धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो सर, इसके लिए कुछ ऐसे पर्टिकुलरली ऐसे टूल्स तो हैं, आपने बोला कि जैसे म्यूजिक में पार्टिसिपेशन, या इसके अलावा भी कोई ऐसे पर्टिकुलर टूल्स हैं कि बच्चा उसमें पार्टिसिपेशन करना सीख जाए? जैसे को करिकुलर एक्टिविटीज हैं स्कूल में, वो बहुत बढ़िया टूल्स हैं। अगर स्कूल उस पर फोकस करता है तो वो बच्चों को बहुत मदद करता है। को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे डिबेट्स हैं, स्पीचेस हैं, और डिस्कशंस हैं, इस तरह से एक्सटेम्पररी प्रेजेंटेशन को करिकुलर एक्टिविटीज हो सकती हैं, वो आपके स्कूल में फंक्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रोग्राम्स डिजाइन किए जा सकते हैं, जैसे कुछ प्रोग्राम्स में एक शॉर्ट में अगर बताऊं उसको, जो मैं अप्लाई करता हूं स्कूल्स में और जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, क्लासेस में CR सिस्टम बहुत इफेक्टिव है, करेज मंथ एक्टिविटीज, ये लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया था मैंने, तो बहुत बहुत कारगर है, और स्टूडेंट काउंसिल का भी बहुत अच्छा, बच्चों को अगर हम ऐसे डिसीजन मेकिंग बॉडी के रूप में इस्तेमाल करें, उनको अपॉर्चुनिटीज दें, तो उसका बहुत बेनिफिट है। और एक एक स्टडी स्किल एक ऐसा है, इसके टेक्निकली मैं नहीं बता रहा हूँ, उसमें 4 स्टेप्स होते हैं, PCRR,
अगर इनको भी हम फॉलो करते हैं तो इसका भी बहुत बेनिफिट बच्चों को मिलता है, और इसको मैं इस बार इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ स्कूलों में। तो देखा हमने कि बच्चे का भी अपना एक स्ट्रेस का लेवल होता है, और हम बच्चे को ये सोचते हैं कि बच्चा ये नहीं कर रहा है, बच्चा वो नहीं कर रहा है। तो बीइंग अ पेरेंट और बीइंग अ टीचर हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम बच्चे का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, किसी भी तरीके का अगर स्कूल की कोई एक्टिविटी होती है तो उसमें हम पार्टिसिपेशन करवाएं। बच्चे ऐसा नहीं कि बच्चा कहे कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो हमें हमारा रोल बनता है कि हम उसको उसको सपोर्ट सिस्टम उसको दें जिससे कि वो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन उसमें कर सके। तो सर ने कुछ टूल्स बताए हैं, सर इन टूल्स के बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में आपसे ज़रूर पूछना चाहेंगे। तो होपफुली कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन शाम के 7 बजे। थैंक यू। वेलकम।